साल में केवल एक बार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र नहीं बेलपत्र चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र नहीं तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, वो कौन सा दिन है आइए आपको बताते हैं। इसको लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ती है, और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र नहीं चढ़ाते हैं। हालांकि शिव में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, फिर भी उनकी पूजा से संबंधित बहुत सारे उपचार में कुछ कुछ नियम बताए गए हैं। आने वाले कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि, इस दिन को हम वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जो है, जो देव प्रबोधनार्थ एकादशी के दिन चौमासा से जागृत हुए रहते हैं विश्राम से, वो उठते ही सबसे पहले काशी पहुँचते हैं और भगवान शंकर से भेंट मुलाकात करते हैं। तो इस समय हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि वर्ष में एक ही दिन यह वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत ऐसा व्रत है जिस दिन भगवान भोलेनाथ विष्णु जी के आगमन से इतने अभिभूत और खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि उनको बेलपत्र दे करके वो स्वागत करते हैं, और भगवान विष्णु जी भी भगवान भोलेनाथ से चौमासा के चार महीनों बाद जब जा करके भेंट मुलाकात करते हैं तो भेंट स्वरूप तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। तो इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ में तुलसी पत्र चढ़ती है और भगवान विष्णु जी में बेल पत्र चढ़ाया जाता है। बहुत से हमारे सनातनी बंधु इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं और प्रदोष काल निशित काल में भगवान विष्णु की और भगवान भोलेनाथ की पूजन भी करते हैं।